में संत आ गए थे कुछ, उन संतों में बैठ गए थे, इसके लिए हम पहले से ही आप सबको विनम्र क्षमा मांगते हैं। जब तक भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आम रस लाओ बेटा सब। हम एक प्रार्थना पहले ही कर लें आप लोगों से, किसी भी पॉलिटिक्स पर हमारा कोई बयान नहीं होता है, हम किसी भी राजनीति पर नहीं। हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार है, किसी भी भगवान कोई किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है, ना हो सकता है, ना भारत में किसी भी व्यक्ति को है। अपनी अपनी निजी निजी आस्था है, अपनी निजी आस्था के आधार पर अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ है। नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कंधे पर बंदूक है लेकिन कुत्ता भौंक रहा, सुखा पर है, वाइब्रेशन इतना ज्यादा है कि पृथ्वी भी हल रही है। ये बल का सदुपयोग नहीं, बल का दुरुपयोग है। बल का सदुपयोग सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनि पुत्र पवन सुत नामा। लंका में जब रावण ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया और हाथ में उठाकर रावण ले जाने लगा, और लक्ष्मण जी भी शेषावतार है, रावण से उठे नहीं, हनुमान जी को देखकर गुस्सा आ गया, एक मुष्ट बनाकर रावण के ऊपर प्रहार किया और लक्ष्मण जी को उठाकर राम जी के पास ले आए। ये हनुमान जी के बल का सदुपयोग है। ये सब चलता रहता है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके हैं, जो भी हमारे पास आएगा हम सबका स्वागत करेंगे। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी के फिक्स एजेंडे के हैं, हमारे लिए सभी सम्मानीय है। और ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, और ना हम कोई वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनीय हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह है नहीं है, और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। अगर कोई विरोध कर रहा तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सब पर कृपा करें।